अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग। और कल का व्लॉग नहीं बना था क्योंकि मोबाइल हो गया था ख़राब। मेरे पास दूसरा मोबाइल था व्लॉग बनाने के लिए, बट मोबाइल में कुछ ज़्यादा मसला हो गया था तो इसको मार्केट लेकर गया था बनाने के लिए, इस वजह से व्लॉग वगैरह नहीं बना। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। नाश्ता आ चुका और नाश्ते में आज मामा ने आलू के पराठे बनाए और साथ है एग। अब मैं करूं जल्दी से नाश्ता क्योंकि फिर मुझे शॉप भी जाना है, लेट हो जाएगा। नाश्ता फिनिश हो चुका है, अभी मैं जल्दी से दे दूं मामा को, फिर उसके बाद शॉप जाऊं। मैंने शॉप मामा को दे दिया। वाओ यार ये कितने क्यूट। वो ये तो मैंने अभी देखा है, ये एक हीरा और एक ये निकल रहा है, इतने क्यूट से यार। ये मैंने अभी देखा है, कल नहीं देखा था, पता नहीं, आई थिंक ये कल का। शॉप से फारिग हो चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने क्योंकि भूख लगी हुई है। सिस्टर को बोलता हूँ मुझे खाना निकाल कर दे देंगे। खाना आ चुका है और खाने में आज बना है मटर और गोश्त बिरयानी, तो जल्दी से खाते हैं खाना। मैं खाना खाकर सो चुका था और अभी सो कर उठा हूँ। एक आदत हो गई है, दो तीन दिन से मैं शॉप से जल्दी आ रहा हूँ ना, तो सो जा रहा हूँ खाना खा के। आज भी मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था और मैं फिर सो गया, मुझे नींद आ रही थी, मैंने कहा कि चलो मोबाइल रख के सो जाता हूँ। अभी सो कर उठा हूँ, अब नहीं सोना है कल से यार, एक आदत हो जाएगी वरना सोने की। आज मामा ने अपने हाथों से सेवैया बनाया है। मामा के हाथ का सेवैया बहुत अच्छा होता है। मैं जल्दी से ये खाऊँ फिर टेरिस पे जाऊँगा, थोड़ा बैठूँगा उधर क्योंकि दो तीन दिनों के नहीं गया बिजी था काम में इस वजह से। ये जब मैंने सुबह देखा था तो ये कम खिला हुआ था, अभी और ज़्यादा हो चुका है और अभी भी अंदर इसके दो तीन है जो और खिलेगा। उर्दू में इसको बोलते खिलेगा। और ये दूसरा ये अभी तक हुआ नहीं है, आई थिंक सुबह तक कंप्लीट हो जाएगा, ये सुबह कंप्लीट होगा। और एक ये रैया भी छोटा सा निकला है, ये सुबह तक तो नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। चले भाई, मैं ब्लॉग में जो चीज़ दिखाता हूँ ना, पहले मैं सबसे पहले मैंने करेला दिखाया था जो मामा ने लगाया था, वो करेला भी हो गया ख़राब। मामा ने दो तोड़ लिया था क्योंकि वो हो रहे थे ख़राब, मामा ने बोला ये तोड़ लेते क्योंकि वरना ये पूरा ही ख़राब हो जाएगा। फिर तोते दिखाया, सारे तोते उड़ गए। अभी फ्लावर दिखाया, अगर ये ख़राब हुआ ना फिर उसके बाद से ब्लॉग में कोई भी चीज़ नहीं दिखाऊँगा। तो अभी मैं आया हूँ इधर ऊपर, फिर आज 9 बजे जाना भी है क्लास देने क्योंकि ऑनलाइन वर्क स्टार्ट हो चुका है, कुछ लड़के उनको बताना है सारी चीज़ें, तो आज 9 बजे जाऊंगा उधर। इतने दिन पहले पिज़्ज़ा खाया था हम लोगों ने और उसका डब्बा अभी तक ऊपर टेरिस पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। आयशा ही लेकर आई थी, उसी ने ऊपर फेंका हुआ था और अभी तक ऐसी अभी तक किसी ने इसको कचरे के डस्टबिन में नहीं डाला। अभी मैं जाऊँगा तो नीचे इसको लेकर जाऊँगा, कचरे के डस्टबिन में डाल दूंगा। आज हवा ना काफ़ी तेज़ है यार, थोड़ी मुझे ठंड लग रही है और मैं कुछ पहन कर नहीं आया, सिर्फ शर्ट ही पहना हूँ। अब मैं उठाता हूँ ये डब्बा और अब सीधा चलूँ नीचे। आज वीडियो भी नहीं अपलोड करने का क्योंकि कल व्लॉग बना ही नहीं था। अभी जा रहा हूँ थोड़ा सा शॉप क्योंकि काफ़ी देर से आया हूँ, अब शॉप में कुछ काम वगैरह होगा। अभी मैं शॉप से आया तो मुझे एक कॉलेज से मैसेज आया, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैसेज क्या है। मैसेज कहाँ है, कहाँ है यार मैसेज। मैसेज ये आया, डियर स्टूडेंट योर गैप बोर्ड एग्जाम बाय SDC। SDC फुल में वो फुल फॉर्म है स्किल डेवलपमेंट कंट्रोल गवर्नमेंट्स ऑफ पाकिस्तान, इज ऑन 12 जनवरी 2023, प्रिपरेशन क्लास इज ऑन 10 जनवरी एट 5 PM शार्प। मस्ट फॉर यू एडमिट कार्ड विल आल्सो बी गिविंग, प्रोजेक्ट मस्ट बी रेडी एडमिन। यह भी मुझे मैसेज आया है कि आपका एग्जाम है 12 जनवरी को तो प्रिपरेशन क्लास है 10 जनवरी। मैं अभी दो तीन दिन पहले गया था अपना प्रोजेक्ट लेकर, उसका ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि उस दिन कुछ काम था, इस वजह से उसका ब्लॉग नहीं बना था। तो सर ने मुझे यही कहा था कि यार आपका भी एग्ज़ाम नहीं होगा क्योंकि आपने मार्कशीट लेट जमा करवाया, तो यार लेट कैसे जमा करवाया था, मार्कशीट आया ही अभी था।
तो सर ने कहा था कि आपका एग्ज़ाम अब 3 महीने बाद होगा। फिर मैं आ गया था वापसी घर में, कल सुबह गया था, जब कहा कि साथ यूनिवर्सिटी गया था तो वहाँ से मैं कॉलेज चले गया। वहाँ पे मैंने बात किया था कि सर ऐसे ऐसे बात है, मुझे कहीं जाना है, तो सर ने कहा था चलो ठीक है आगे मैं बात करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम लेंगे या नहीं लेंगे। फिर सर ने बातचीत आगे की तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी डन हो चुका है। 12 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम है गवर्नमेंट्स ऑफ पाकिस्तान SDC स्किल डेवलपमेंट कंट्रोल में। इंशाल्लाह आप लोग दुआ करें कि एग्ज़ाम अच्छा जाए। अभी तक मैंने तैयारी नहीं की, उस दिन MCQs की थोड़ी बहुत तैयारी की थी जो व्लॉग बनाया था, उसके बाद ऐसे ही रख दिया था, अभी तक कुछ भी याद नहीं किया। तो आज से सिर्फ उस MCQs में ध्यान देना, अच्छे से उसको याद वगैरह करना, क्योंकि 12 जनवरी को पेपर है। आप लोग दुआ करना कि मेरा पेपर अच्छे से जाए। मेरे मोबाइल में हो गया था मसला, तो अभी मैं रात को 11 बजे व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम जो मैसेज वगैरह पढ़ के मैं गया हूँ मोबाइल अपना लेकर फैजी भाई लोगों के पास, उन लोगों के पास बैठा हुआ था, मैं मोबाइल निकाला चलाने के लिए तो मोबाइल ऑन ही नहीं हो रहा। अभी अभी मैं बिल्कुल सरीना सा अपना मोबाइल सेट करवा के, जैकेट वगैरह भी ऐसे ही पहना हुआ है, और मोबाइल में जो इसमें पहले मसला आया था 2 दिन पहले सेट करवा कर आया था, वही मसला होने लग गया। तो अभी अभी बिल्कुल बना कर आया और टाइम 11 बज रहा है, तो बस व्लॉग काफ़ी देर बाद बना है अभी, और मैं थोड़ा थोड़ा सुस्त भी हो रहा हूँ क्योंकि बाहर से आया ना, तो सर काफ़ी ज़्यादा भारी लग रहा है। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो दे, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।